दोपहर के करीब 1 बज रहे थे, तभी गरज के साथ करीब 100 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं तट से टकराई और सिर्फ बर्बादी छोड़ गई। रत्नागिरी में तूफान ने दस्तक ही दिया था कि असर करीब 340 किलोमीटर दूर मुंबई में दिखने लगा। मुंबई में बिखरने लगे आशियाने, टूटने लगे पेड़ पौधे, नवी मुंबई में बस स्टॉप के बोर्ड गिर गए। इसके बाद जैसे जैसे तूफान करीब आता गया, शहर का हुलिया ही बदल गया, चारों तरफ बर्बादी का मंजर।